अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त। ये हर घर की बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेसिपी है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये शोरबे वाली बनती है, तो इसको जो शोरबा होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके लिए मैंने 1/2 kg मीट ले लिया है, ये मैंने रेड मीट लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, इतने बड़े आलू हैं मेरे, इसके मैं 4-4 पीसेस कर लूँगी। 2 टमाटर लिए हैं, 5 से 6 हमने हरी मिर्चें ले के रखी हैं। हरी मिर्चों को हम इसी तरीके से डाल देंगे, साबुत ही डालेंगे क्योंकि ये मोटी वाली हरी मिर्च है। देखिए ये मोटी वाली हरी मिर्च है, तीखी नहीं है, हम इसे साबुत ही ऐड करेंगे। थोड़ा सा स्लिट कर लेंगे और साबुत ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर दही ले लिया है, ये थिक दही है। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट ले लिया है। और मसालों में मैंने 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया है हमने रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ कोरिएंडर पाउडर लिया है क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्जी होती है तो इसमें कोरिएंडर सबसे ज़्यादा जाता है, तो कोरिएंडर पाउडर हमने 2 टेबल स्पून फुल भरकर ले लिया है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ जीरा लिया है, 10 से 12 हमने काली मिर्च ली है, 5 से 6 लौंग ली है, 4 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है और ये 1 ब्लेड हमने जावित्री का ले लिया है। इसके अलावा सिनेमन स्टिक का 1 पीस है, 3 से 4 हमने बेलीव ले ली है, 2 छोटे साइज की अनियन ली है, इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और बाहर निकाल लेंगे। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च को हल्का सा हम क्रश कर लेंगे। बाकी मसाले हम इसी तरीके से डालेंगे, इसको हम मोटा मोटा ही क्रश करेंगे, बस हल्का हल्का सा मार लेंगे ताकि 2-2, 3-3 पीसेस हो जाए एक चीज में से। वेजिटेबल ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है 200 ml के करीब। अब इसमें ऐड कर देंगे अनियन और अनियन को लाइट गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। अनियन को हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। बचे हुए ऑयल में अब हम डाल देंगे गरम मसाला जो हमने क्रश करके रखा हुआ है, वो गरम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे जीरा, बेलीव और ये सिनेमन स्टिक, जावित्री। थोड़ा सा क्रश हो जाने देंगे इनको, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए और जो मसालों की खुशबू है वो हमारे ऑयल के अंदर रिलीज हो जाए। इतना ही हमें फ्राई करना है इस मसाले को। अब इसके अंदर साथ ही हम ऐड कर देंगे गोश्त जो वॉश करके रखा हुआ है। मिक्स कर लेंगे, और गोश्त के अंदर अब हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके साथ में तकरीबन 2 मिनट के लिए गोश्त को भून लेंगे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर। गोश्त को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ में तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारे मसाले, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही ऐड कर देंगे सॉल्ट और इसके साथ भी तकरीबन 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि मसालों की भी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। मसाले के साथ में हमने गोश्त को तकरीबन 2-3 मिनट के लिए भून लिया है और मसालों की जो कच्ची स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इससे हमारा जो गोश्त बनेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप के करीब पानी क्योंकि गोश्त को हमें टेंडर करना होगा। मैंने थोड़ा सा पानी बचा दिया है, अभी मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो मैं वो भी डाल दूँगी, लेकिन इतना ही पानी काफ़ी रहेगा। ये देखिए पानी इतना काफ़ी रहेगा, इसमें हमें 4 से 5 प्रेशर लगाने होंगे ताकि गोश्त हमारा 50% तक टेंडर हो जाए। तो इसे अब हम कवर कर देंगे और 4 से 5 प्रेशर आ जाने देंगे। हमारे कुकर में 5 सीटियाँ आ चुकी हैं, इसका प्रेशर हमने इसको इस छोड़ दिया था इसके प्रेशर में ही ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और सख्त भी नहीं रहना चाहिए। अब इसे हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे
आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे थोड़ा सा ही भूनना पड़ेगा आपको। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसको भुनाई में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और साथ ही हम ऐड कर देंगे टमाटर, ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला अच्छी तरीके से भून गया है, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अनियन जो हमने क्रश कर ली है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन अनियन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से अनियन डालने से जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। इसे आप अगर तंदूर की रोटी के साथ में खाएं तो इतना मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही, जो हमने आपको बताया था 2 टेबल स्पून के करीब, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही का पानी खुशक हो जाने देंगे, थोड़ा सा और भून लेंगे। दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। इसके हमने डंठल हटा दिए हैं और साबुत ही रहने दी है हरी मिर्चों को। और आलू ऐड कर देंगे, आलू के हमने इतने बड़े बड़े पीसेस किए हैं, ये हमने एक आलू में से 4 पीस किए हैं, ये हम ऐड कर देंगे। आलू को धोकर हमने पानी के अंदर डाला हुआ था ताकि आलू का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए, क्योंकि आलू कटने के बाद में कलर चेंज करने लगते हैं। ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी, और इतना पानी हमें ऐड करना है जितने की हमें थिकनेस चाहिए। तो 1 गिलास पानी इसमें थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड करूंगी। ये देखिए, क्योंकि ये जो आलू गोश्त है ये बिल्कुल शोरबे वाला होता है, तो इसके लिए इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने तकरीबन 1 और आधा गिलास हमने पानी, यानी 1.5 गिलास पानी का इसमें टोटल यूज़ किया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और आलू हमारे तकरीबन 2 सीटी में टेंडर हो जाएंगे, और गोश्त में भी हमारे इतने ही गुंजाइश बाकी है तो हम इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगा देंगे, यहाँ तक कि आलू हमारे अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएँ। तो इसे हमने कवर कर दिया, हाई फ्लेम पर इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगा लेंगे। आलू गोश्त के अंदर 3 सीटियाँ आ गई थी और इसको हमने इसी के प्रेशर में छोड़ दिया था ताकि हमारे आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आलू गोश्त की जो ऊपर है वो तरी आ चुकी है, तो इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे हरा धनिया कट किया हुआ। इसमें हरे धनिया का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, तो इसमें थोड़ी कुछ ज़्यादा क्वान्टिटी में हरा धनिया डाला जाता है। और इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और उनको कर लेंगे डिश आउट। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज होती है। तो इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस आलू गोश्त बनकर तैयार है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, और रेड मीट में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ में, घर की रोटी के साथ में, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।